गर्मी स्टार्ट हो रही है तो फिर हमारे डॉग का जो अभी जब गर्मी में बहुत प्रॉब्लम आता है तो कौन से टाइम पे वॉक करें, कैसा डॉग को खाना जब कम खाता है, गर्मी में पानी बहुत ज़्यादा पीता है, तो किस वे से आप आपकी डॉग की केयर करेंगे उस पर बात करेंगे। देखिए कैसा होता है डॉग को गर्मी में, देखो हर कोई 24 आवर एसी में तो नहीं रखता है, फैन में भी रखता है, बट गर्मी होती है तो जैसे हमें लगती है वैसे उनको भी लगती है। तो आपका जो टाइमिंग है, जैसे सुबह आप लेके जा रहे हो वॉक के लिए तो वो मॉर्निंग का थोड़ा सा जल्दी का टाइम रखिए, क्योंकि एक टाइम के बाद जो गर्मी है वो बढ़ जाती है। और दोपहर शाम का जो टाइमिंग है वो 5 बजे के बाद है, 5-5:30 बजे के बाद वही टाइम पे आप डॉग को बाहर लेके जाइए। बिकॉज मैंने ये बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे डॉग को लेके जाने के बाद सन स्ट्रोक आता है और उस वजह से डॉग में प्रॉब्लम आता है और डॉग पूरा एनर्जी लॉस्ट कर जाता है। बहुत इशू हुआ है, मेरे पास 2 केसेस ऐसे आए थे, मतलब ऐसा लग रहा था अभी कुछ है ही नहीं, उनका बचेगा ही नहीं, कैसे करेंगे। तो वो टाइम में ऐसा कुछ आ रहा है, जैसे ब्लैक डॉग लैब्राडोर है या चॉकलेटी लैब्राडोर है, कोई ब्लैक डॉग में ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा आएगा। अभी कल भी मुझे एक कस्टमर का फोन आया था, उन्होंने वही बोला कि गर्मी थी, गर्मी में उनको डॉग को हार्ट अटैक आया। वो हार्ट अटैक नहीं था, वो था वो सनस्ट्रोक था। सनस्ट्रोक का मतलब क्या हुआ, जो गर्मी की वजह से वो डॉग को बहुत बॉडी में बहुत हिट हो गई और वही जो भी है सनस्ट्रोक की वजह से वो एक्सपायर हो गया। तो वहाँ पे क्या करना है, गर्मी में आप डॉग को प्लीज़ जो भी जितना हो सके बाहर मत निकालिए, बिल्कुल बाहर मत निकालिए। और आपको ऐसा लग रहा है पानी दीजिए, बट इतना भी पानी मत दीजिए कि वो पी पी के ही पूरा उसका पेट भर जाए और खाना कम खाए। और गर्मी में आप और एक कर सकते हो, आप उसको ग्रेवी खिला सकते हो, ग्रेवी का, क्योंकि उसमें आपको जो बॉडी एनर्जी भी मिलेगा और लिक्विड भी मिलेगा। तो वो पानी जो कर रहे हैं ना बार बार पानी मारा, उसका इतना नहीं आएगा। उसके बाद आप उसको ग्लूकोन डी का जो पानी आता है वो आप उसको देते हो, इलेक्ट्रोड का जो पानी हम बनाते हैं वो भी आप आपके डॉग को दे सकते हो। ज़्यादा ठंडा पानी मत दीजिए, उसमें भी प्रॉब्लम आता है। तो जो भी है एक जैसे अभी तो देखिए हर कोई अपने घर पे ये लेके चल रहे, जैसे सबके पास फ्रिज है, तो मुझे नहीं लगता फ्रिज में से पानी निकाल के देना चाहिए। बहुत सारे डॉग को मैं देखती हूँ लोग ऐसा करते हैं, बट ऐसा मत कीजिए बॉडी टेम्परेचर में, फिर वो बाद में डॉग को प्रॉब्लम होना। तो आप मटके में से पानी भी डॉग को दोगे ना तो भी चल जाएगा, इलेक्ट्रोड यूज़ कीजिए। उसके बाद आप ग्लूकोन डी ऐसा पानी आप दे सकते हैं आपके डॉग को। और ज़्यादा करके अगर ड्राई फ्रूट देना है तो वो क्वांटिटी कम कीजिए, बिकॉज वो खाना कम ही खाएगा। गर्मी में आप उतना एक्सरसाइज उसका अगर नहीं करा पाओ तो वो उसको फिर बॉडी में वो थक के, जैसे गर्मी में हम लोग कहीं बाहर से जाके आते हैं ना तो बॉडी पूरा एनर्जी खींच लेता है, मतलब वो एनर्जी निकल जाता है और आप हम लोग पूरा डल हो जाए। सेम डॉग में भी होता है, तो जो टाइम है वो टाइम एडजस्ट करके डॉग को, अगर सनस्ट्रोक जैसा कुछ आपको लग रहा है तो फ्रिज में आपके आप आइस क्यूब रहेगा या फिर कपड़ा गीला करके उसके बॉडी पे डाल दीजिए, क्योंकि ये केसेस होता है। क्योंकि वो टाइम पे अपने को कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं, ठंडा पानी रहेगा तो चलेगा, वो कपड़ा गर्म सादा कपड़ा है कॉटन वाला उसको ठंडा कीजिए ठंडा पानी में या फिर वो रख दीजिए। बहुत सारी चीज़ें, छोटा छोटा चीज़ें आप केयर कीजिए तभी ये छोटा मोटा चीज़ों में। देखो कैसा होता है, ठंडी का अलग प्रॉब्लम है, गर्मी का अलग प्रॉब्लम है। जैसे इतना गर्मी, जैसे एक एग्जांपल दिल्ली में आप टेम्परेचर जाओगे तो वहाँ पे 6-7 टेम्परेचर हो जाता है ठंडी में, गर्मी में वैसा ही है 45-48 तक टेम्परेचर जाता है दिल्ली में। अभी जैसे ऐसे है जगह पे है तो क्या करेंगे, बहुत अभी जैसे गर्मी तो हर जगह पे ज़्यादा है, तो ये चीज़ें खाने का क्वांटिटी कम कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ना फूड सोक करके दीजिए उसको, तो उसमें क्या होगा पानी भी जाएगा और उसको ना ज़्यादा पेट ऐसा लगेगा नहीं, मतलब वो क्या होगा पूरा डल हो जाता है। वहाँ पे लोगों को लोग बोलते हैं अरे गर्मी है खाना नहीं खा रहा है सिर्फ पानी पी रहा है, यही रीज़न है आप बात समझ के, क्योंकि आप ज़्यादा घुमा नहीं सकते, ज़्यादा वॉक नहीं करा सकते, ये सब चीज़ें होती है। ये क्यों होता है, उसमें आप कर्ड दे सकते हो, बट कर्ड से बेटर मैं बोलूँगी छाछ बना के दीजिए। अगर कर्ड है उसमें पानी डालिए बोला उसको, ये कर नमक वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, वो उसको दोगे वो भी बेटर है। फ्रूट में आप उसको थोड़ा बहुत दीजिए, फ्रूट का ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि कुछ कुछ लोग ना उसका इतना कर देते ना, मतलब उसको उसी चीज़ पे रख देते, वैसा मत कीजिए, प्रॉब्लम आ जाता है। आपको लगता है आप खा रहे हो उसको देना,
दीजिए, एक हाथ दो पीस दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। लोगों को ये बातें बताने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, हर चीज़ का एक टाइम टेबल होता है, हर चीज़ का एक क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी कम मैं क्यों बता रही हूँ, आप लोग है ना इतना सारा दोगे, बट वो भी देखो ह्यूमन में डाइजेस्टेबल अलग है, डॉग में अलग है, डाइजेस्ट सिस्टम ही अलग है। तो आप बात समझ के चलिए, वो डाइजेस्ट हो रहा है, खाना दीजिए जितना रिक्वायरमेंट है, फ्रूट दीजिए जितना, थोड़ा सा थोड़ा एक आध दो पीस आपको लग रहा है करके दीजिए, बाकी दूसरा एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी मत दीजिए। उससे उस डॉग पे बहुत सारा चेंजेस होता है, वो आपको अभी नहीं बाद में समझ में आता है। कड़ नहीं दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, छाछ पे फर्क पड़ जाएगा। ये चीज़ें हैं, आप उसमें ऐड कर दीजिए, अगर कुछ और भी लग रहा है तो अपन ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मैंने आपको बता दिया क्या करना है, मैंने आपको बता दिया किस वे से ट्रीट करना है, मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखोगे ना, छोटा छोटा है, अगर आपको कुछ लग रहा है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, कुछ लग रहा है तो आप छोटा मोटा चीज़ें हम आपको बता देंगे। देखो कैसा होता है, हाँ है डॉक्टर आपको 100% पूरी तरह से गाइडेंस, बट बेसिक चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, जैसे ये एक्सपीरियंस होता है। और हमारे जैसे लोग हैं जो अभी जिनके पास बहुत डॉग है, वो कुछ ना कुछ ये सब, या फिर हमें जो कस्टमर पूछता है वही सवाल के जवाब हम आपके देते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।